नमस्कार स्टूडेंट स्टूडेंट एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। यदि आपने उसकी स्टडी नहीं की है तो आप वहां से उसको क्लिक करके उसकी स्टडी कर सकते हैं। यहां पर जो आई के आइकन बने हुए आते हैं उनको क्लिक करके आप पिछले चैप्टर्स की स्टडी कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर फॉर विच वैल्यू ऑफ के, आपको पता करना है कि के की वैल्यू क्या होगी। के की वैल्यू क्या होगी? विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो फॉर इक्वेशन विच हैव नो सॉल्यूशन, इसके लिए क्या होता है कि ए वन अपान ए टू इज इक्वल टू बी वन अपान बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन अपान सी टू। यदि हमारे लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन में ए वन अपान ए टू बी वन अपान बी टू जो होता है उसमें इक्वल होता है बट सी वन अपान सी टू इक्वल नहीं होता है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक। बट यहाँ पर दो रेशियोज आपस में इक्वल होंगे। इस रेशियोज को इक्वल करने के लिए यहाँ पर ए वन का क्या है 3 है और यहाँ पर यह जो ए टू है वो 2k-1 है, तो आप यहाँ लिख दें 2k-1, ठीक है ना, एक्स का कोफिशियंट है। और बी वन हमारे पास वाई के साथ कुछ नहीं है तो 1, और बी टू पर हमारे पास है k-1, ठीक। आप क्या करेंगे 3 2k-2k-2 और यहाँ पर 1-k-1। अब क्या करिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 की मल्टीप्लाई के साथ 3k और 3 की मल्टीप्लाई -1 के साथ तो -3 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे। आप जानते हो कि 1 की मल्टीप्लाई किसी के साथ करेंगे, सेम नंबर चाहता है तो 2k-2। अब क्या करिएगा, लाइक टर्म को अरेंज कर दीजिए 3k और ये यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा 2k और यहाँ पर -2 है और ये 3 जाएगा इस साइड में तो +3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 3 से 2 निकालिए कितना हो गया k, लार्जर टर्म से स्मॉलर टर्म को आप माइनस करोगे तो 3-2 = कितना हो गया 1, तो k की वैल्यू क्या होगी 1। हम अगर k के प्लेस पर 1 को रखें जो इक्वेशन बनेगा उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आप ये पाएंगे कि a1 / a2 is equal to b1 / b2 but not equal to c1 / c2। क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत छोटा क्वेश्चन था, सॉल्यूशन उसका बहुत इजी कर दिया गया। आप इसको करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, फ्रेंड्स को बताएं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।